Welcome back to the free UPSC preparation. And आज का जो हमारा lecture है, lecture number 62, ये based रहेगा impact of liberalization on administration in developing country. ये topic है development dynamics का और हम cover कर रहे हैं public administration lecture series. तो अभी तक अगर आपने channel को subscribe नहीं किया है, तो subscribe कीजिए, like कीजिए video को, comment कीजिए आपके जो भी doubt, query, criticism, compliment जो भी हैं, comment कीजिए, ठीक है? And share कीजिए. शुरू करते हैं आज का लेक्चर इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्री. हेडिंग थोड़ी ज्यादा बड़ी है, इसका जो टॉपिक है कुछ ज्यादा बड़ा है, बट एक्चुअल में इसके जो है इसका मतलब है जो प्रेजेंटली लिबरलाइजेशन पॉलिसीज फॉलो कर रही है एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसमें से लिबरलाइजेशन का डेवलपिंग कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या इम्पैक्ट रहा है. तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि लिबरलाइजेशन होता क्या है, देन पॉजिटिव इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट वो भी देखेंगे, एंड एडमिनिस्ट्रेशन का रोल किस तरीके से चेंज हुआ है इन इकोनॉमिक रिफॉर्म के एरा के टाइम एरा में. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए इस चीज को कि जब एक नेशन लिबरलाइज होता है, लिबरलाइज मतलब कि कोई भी इकोनॉमी ओपन हो जाती है, ठीक है, वहां पर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उन रिस्ट्रिक्शंस को कंट्रोल्स को दूर किया जाता है, तो द इकोनॉमिक इफेक्ट कैन बी इंटेंस फॉर द कंट्री एंड एज वेल एज फॉर द इन्वेस्टर. जब लिबरलाइजेशन होता है किसी कंट्री के अंदर, तो जो इकोनॉमिक इफेक्ट है वो बहुत इंटेंस हो सकते हैं कंट्री के लिए भी और इन्वेस्टर के लिए भी. इंडिया के अंदर लिबरलाइजेशन की प्रोसेस 1991 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था उसके बाद, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसके बाद स्टार्ट की गई थी. इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से मतलब है रिलैक्सिंग द गवर्नमेंट रेगुलेशंस इन अ कंट्री टू अलाउ द प्राइवेट सेक्टर कंपनी टू ऑपरेट बिजनेस ट्रांजेक्शन विद फ्यूअर रिस्ट्रिक्शंस. प्राइवेट कंपनी कम रिस्ट्रिक्शन के साथ कंट्री के अंदर काम कर सके, तब उसके लिए गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस हैं, रूल रेगुलेशन लॉ हैं, उनका थोड़ा सा रिलैक्स करना, दैट इज लिबरलाइजेशन. एंड विद स्पेशल रेफरेंस टू द डेवलपिंग कंट्री दिस टर्म डिनोट द ओपनिंग ऑफ इकोनॉमिक बॉर्डर टू एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. स्पेसिफिकली डेवलपिंग कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में लिबरलाइजेशन का मतलब है आप अपनी इकोनॉमिक बॉर्डर्स में, इकोनॉमिक बॉर्डर्स को आप ओपन कर रहे हो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए और मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए. देखिए कंट्री के अंदर बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, स्पेशली जो एमर्जिंग मार्केट कंट्रीज हैं, बहुत सारे बैरियर्स हैं, जैसे लीगल इश्यूज होते हैं, टैक्स लो हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसके अलावा बहुत सारे और भी बैरियर्स होते हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ बैरियर इन एमर्जिंग मार्केट कंट्रीज सच एज लीगल इश्यूज, टैक्स लो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस. इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का मतलब यही है कि वो इन सारी ऑब्स्टेकल्स को दूर करे और सारे जो बैरियर्स है उनको भी दूर करे और कंट्रोल्स को थोड़ा रिलैक्स करे. दिस ऑफन इन्वॉल्व सम फॉर्म ऑफ डीरेगुलेशन एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ कॉर्पोरेशन. कहीं ना कहीं आपको डीरेगुलेट करनी पड़ती है कुछ चीजें और कहीं ना कहीं कॉर्पोरेशन का प्राइवेटाइजेशन किया जाता है लिबरलाइजेशन में. तो ये तो था लिबरलाइजेशन होता क्या है. अब समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन, अब यहाँ पर क्या है लिबरलाइजेशन, मार्केट का ज्यादा बड़ा रोल प्ले कर, मार्केट बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि सब कुछ मार्केट को ध्यान में रखते हुए, बाकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जा रही है. लेकिन स्टेट का भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोल जरूर है, और वो रोल क्या है. अब ये समझिए कि पब्लिक इंटरेस्ट को प्रेफर सिर्फ और सिर्फ स्टेट ही कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है. प्राइवेट सेक्टर अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है, न कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए. So the policies and programs are still to be determined and formulated by the state only in the favor of social justice and development. Society का अगर development होना है और social justice के लिए अगर काम करना है तो state का होना बहुत जरूरी है. The belief in government by the market, Peter Self का यहाँ पर हम quote कर रहे हैं कि उनका ये मानना था कि जो ये government है by the market, 1993 में कहा था इन्होंने, रेस्ट अपॉन द प्रोपोजिशन दैट द मार्केट सिस्टम इज इनहेरेंटली अ बेटर मेथड मेथड ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट एंड एस्पिरेशंस देन रिकोर्स टू गवर्नमेंट. आप क्यों प्रेफर करते हो मार्केट को, क्योंकि आपको ये लगता है कि आपकी जरूरतें, ह्यूमन की जो जरूरतें हैं हमारी, ह्यूमन वांट्स एंड एस्पिरेशन, प्राइवेट सेक्टर उनको बेहतर तरीके से फुलफिल कर सकता है देन गवर्नमेंट, तभी तो हम मार्केट को प्रेफर कर रहे हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वहां की सर्विस बहुत अच्छी होती है प्राइवेट सेक्टर की, क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं. The state need to be regulatory in nature. अब इस टाइम में स्टेट का नेचर चेंज हो रहा है, स्टेट का रोल चेंज हो रहा है, और वो रोल कैसा होना चाहिए, रेगुलेटरी होना चाहिए. बिल्कुल स्टेट को पीछे नहीं हटना है, बट अपने आप को थोड़ा मॉडिफाई करके रेगुलेटरी नेचर का बनना है.
providing for a mechanism for ensuring efficiency, setting standard of service, removing market distortion, providing appropriate regulatory or legal framework for player in the market, protecting the interest of consumer, employer, employees and other stakeholder. आपका काम क्या है अगर आप इकोनॉमिक वे में देखो तो स्टेट का काम है सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो रेगुलेटरी रेगुलेशंस बनाए वो ठीक है ताकि मार्केट अच्छे से काम कर सके. सेकेंड थिंग एफिशिएंसी को इंश्योर करने के लिए मैकेनिज्म डेवलप किए जाए. सर्विस के स्टैंडर्ड डिफाइन हो ताकि लोगों को क्वालिटी मिले सर्विस में. मार्केट का जो डिस्टोर्शन हो रहा है वो रिमूव किया जाना चाहिए एंड अप्रोप्रिएट लीगल फ्रेमवर्क हो जो मार्केट में काम कर रहे हैं उनके लिए लीगल फ्रेमवर्क हो सही एंड जो कंज्यूमर्स हैं एम्प्लॉयर्स हैं एम्प्लॉयज हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएं. सो ये स्टेट का नेचर होना चाहिए. नाउ लेट्स सी कि व्हाट आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट. अब देखिए ये जो टॉपिक है आई थिंक आप जब GS3 की स्टडी कर रहे होते हो तब भी आता है इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी. बट यहाँ पर हम थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव के कॉन्टेक्स्ट में एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं. यहाँ पर थोड़ा सा इकोनॉमिक एंगल आ रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में और किस तरीके से फिर स्टेट का रोल चेंज हुआ है. तो देखिए पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़े. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल. आपने बॉर्डर ओपन कर दिए. बॉर्डर ओपन करते ही क्या हुआ एकदम से जो आपके बड़ी कंपनीज थी उनको मार्केट मिल गई काम करने के लिए. तो वो क्या हुआ वहां पर कैपिटल फ्लो हुआ फ्री फ्लो हुआ कैपिटल का. सो लिबरलाइजेशन हैज इंप्रूव्ड फ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम द कंट्री इनटू द कंट्री विच मेक्स इट इनएक्सपेंसिव फॉर द कंपनी टू एक्सेस कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर. एंड इससे क्या हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ गई. सेकेंड थिंग पॉलिटिकल रिस्क कम हो गया. पॉलिटिकल रिस्क जो है वो एक हद तक इकोनॉमी को डिफाइन करता है. लिबरलाइजेशन की वजह से पॉलिटिकल रिस्क जो है इन्वेस्टर्स के लिए वो बिल्कुल कम हो गया. द गवर्नमेंट कैन अट्रैक्ट मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम लिबरलाइज्ड इकोनॉमिक पॉलिसी. जो कंट्री पॉलिटिकली अनस्टेबल हो वहां पर कोई भी अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा या पर जहां पर पॉलिटिकल रिस्क हो उनको. तो लिबरलाइजेशन पॉलिसी पॉलिटिकल रिस्क को कम करती है. थर्ड थिंग डाइवर्सिफिकेशन फॉर इन्वेस्टर्स. लिबरलाइज्ड इकोनॉमी में इन्वेस्टर्स को ये बेनिफिट मिलता है कि वो अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर सकता है अपनी एसेट्स जो है उनको डाइवर्सिफाई कर सकता है. फाइन सो इन अ लिबरलाइज्ड इकोनॉमी इन्वेस्टर्स गेट बेनिफिट बाय बीइंग एबल टू इन्वेस्ट अ पोर्शन ऑफ देयर पोर्टफोलियो इनटू अ डाइवर्सिफाइंग एसेट क्लास. ये तो हुआ इकोनॉमिक ठीक है. अब बात करते हैं थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट की. क्या मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट रहा. सबसे पहली बात तो इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हो गई. आपने मार्केट को मेजर रोल दे दिया प्ले करने के लिए. अब जैसे दूर में जाइए 2013 की बात करते हैं. 2013 में बेसिक जो चीज होती है बेसिक फूड आइटम्स जो होते हैं हमारे जो अनियन और टोमेटो हैं उनके प्राइस एकदम से इतने बढ़ गए थे क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड का प्रॉब्लम था. अब मार्केट सप्लाई और डिमांड के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. मार्केट रिस्पॉन्सिबल अपने प्रॉफिट के लिए ठीक है. वो जिम्मेदारी किसकी बनती है स्टेट की बनती है. तब स्टेट आगे आया और इनको बेसिक कमोडिटी डिक्लेयर की गई टोमेटो एंड अनियन एंड देन उनके प्राइस को जो इन्फ्लेटेड प्राइस थे उनको कंट्रोल किया गया. तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जो है या फिर जो लिबरलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज भी करता है. ट्रमेंडस रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड पोलिटिकल पावर लीड्स टू डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट ऑन द एंटायर इकोनॉमी. देन थ्रेट्स फ्रॉम MNC. देखिए जब से लिबरलाइजेशन हुआ है तब से MNC एक कंट्री की पॉलिसी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. साथ ही साथ MNCs जो है मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि ऐसी कंपनी जो बहुत सारी कंट्रीज के अंदर ऑपरेट कर रही है काम कर रही है फंक्शनल है तो कंपटीशन बढ़ गया MNC आने की वजह से. और कंपटीशन बढ़ने की वजह से MNC बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं ठीक है. उसकी वजह से जो लोकल जो स्मॉल फर्म्स हैं स्मॉल कंपनीज है स्मॉल फैक्ट्रीज हैं उनको खतरा हो गया ठीक है. देन टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट. MNCs हैं बड़ी कंपनीज हैं उनके पास टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं वो लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है. फिर बात करते हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशन की. आपको हर दिन कोई ना कोई खबर मिल जाएगी कंपनीज मर्ज की जा रही हैं या फिर एक्वायर कर ली गई हैं. इससे क्या होता है कि जो छोटी कंपनीज हैं या जो कंपनी जिनको मर्ज किया जा रहा है वहाँ के एम्प्लॉई की रीस्किलिंग स्किलिंग होती है नई कंपनी के हिसाब से. तो उसकी वजह से कंपनी के कैपिटल पे काफी बर्डन पड़ता है. सो दीज आर सम ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन. एंड अब देखते हैं कि इस सिचुएशन में लिबरलाइजेशन के एरा में गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर सकता है या एडमिनिस्ट्रेशन क्या रोल प्ले कर सकता है. सो ऑसबोर्न एंड गैबलर टेड गैबलर इन्होंने अपनी बुक रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट के अंदर लिखा था स्पेसिफिकली गवर्नमेंट के कुछ रोल्स बताए थे उन्होंने. सो
they have made a case for government having a key role in restructuring of market through kya kya kar sakti market jo hai सॉरी गवर्नमेंट मार्केट के लिए क्या क्या कर सकती है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो कि आपको रूल्स बनाने हैं, सेटिंग रूल्स इन द मार्केट प्लेस, रूल्स हो, क्लियर कट रूल्स हो. सेकंड थिंग, फैसिलिटेटिंग द प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन हो, एम्पावरमेंट हो, इंफॉर्मेशन से एम्पावरमेंट आती है, ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी आती है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, इंफॉर्मेशन हो आपके पास. सेकेंड थर्ड थिंग, ऑग्यूमेंटिंग डिमांड, डिमांड सप्लाई वाला, कैटलाइजिंग प्राइवेट सेक्टर सप्लाई एंड न्यू मार्केट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर की जो सप्लाई है उनको कैटलाइज करना और नए मार्केट सेक्टर को कैटलाइज एक तरीके से उनको आगे बढ़ने में हेल्प करना, ठीक है. नेक्स्ट थिंग है क्रिएटिंग मार्केट इंस्टीट्यूशंस, मतलब एक तरीके से मार्केट के लिए काम करना, रिस्क शेयरिंग, ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट मेजर रोल प्ले कर रही है तो सारा फिर रिस्क जो मार्केट पे जाएगा, नहीं, रिस्क शेयरिंग होना चाहिए. एंड रेगुलेटिंग थ्रू एप्लीकेशन ऑफ मार्केट ओरिएंटेड इंसेंटिव, मार्केट को ज्यादा से ज्यादा एक तरीके से फैसिलिटेटर का रोल प्ले करे गवर्नमेंट, फाइन, यही ऑस्बोर्न एंड टेड गैबलर ने अपनी बुक में कहा था. सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू. आई नो कि कंटेंट थोड़ा कम है बट लिमिटेड कंटेंट है, फाइन. नेक्स्ट टॉपिक है वो बेस्ड रहेगा डेवलपमेंट डायनामिक्स का, लास्ट टॉपिक है वुमेन इन डेवलपमेंट. सो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर.